Hey guys, it's Devina and I'm Bipin. So guys, welcome to the Happiness Cocktail and welcome to the Radisson Blue Resort and Spa Udaipur Palace. सो गाइज हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी, कोई अच्छी प्रॉपर्टी अगर विजिट करते हैं या मतलब जो भी हमारा कहीं विजिट करते हैं तो हम लोग उसका एक्सपीरियंस बताते हैं. सो रेडिसन ब्लू इज अ बिग रिच प्रॉपर्टी एंड वी थॉट वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो. एक्चुअली इनका बहुत सारा चेन है, मतलब एक्चुअली इनका रेडिसन ब्लू 200 प्लस होटल्स दे हैव ऑल ओवर वर्ल्ड. लेकिन होटल बुक किया था वो भी फाइव स्टार प्रॉपर्टी है और हम लोगों का फाइव स्टार प्रॉपर्टी का बुक करने का ये था कि हम लोग आफ्टर मोर देन वन ईयर वी आर ट्रैवलिंग, तो हम लोगों को रिलैक्स करना था एंड इट्स आवर बेबी मून, सो वी हैव टू मेक इट एक्स्ट्रा. यू गॉट इट राइट. सो इसलिए और मतलब फाइव स्टार ये भी एक चीज़ था कि यहाँ पर क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन रहेगा, मतलब हमारा वही मेन था और हम लोग को रिलैक्स करना था, सो इसलिए हम लोगों ने बुक किया. ठीक है. सो लेकिन का हम लोग ने लेकिन तो हम लोग का बजट वही 30,000 तक का था 3 दिन का. सो उसमें हम लोग का इवन गोवा वीवो का बहुत सारे 10,000 रुपये का हम लोग का कैश बाकी था, जो कि हमारा लास्ट होटल हम लोगों ने स्विट्जरलैंड के लिए बुक किया था ड्यू टू कोविड कैंसिल. तो पैसे बचे हुए थे उसके सिर्फ होटल के 30,000 का पहले बजट था. तो पहले लेकिन बुक किया, लेकिन में भी वही 27K का पड़ रहा था. तो उस टाइम पे दिखा रहा था विद इन 5 मतलब 1 महीने पहले ये रेडिसन ब्लू वॉज कॉस्टिंग 33K. सो उस टाइम पे लेक एंड वॉज अ गुड चॉइस. बट हम लोगों ने देखा 14 February को देयर इज अ ह्यूज डिस्काउंट वॉज गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाई. तो फिर सेम प्राइस पे हम लोगों को रेडिसन ब्लू मिल गया 27K. तो हम लोगों ने फिर लेक एंड की वो प्रॉपर्टी कैंसिल करके वी टेकन दिस रेडिसन ब्लू बुक किए. और हम लोगों का यहाँ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है एंड एडिशनली वी हैव ऑप्ट फॉर डिनर बिकॉज हम लोग बाहर नहीं खा सकते थे स्ट्रीट फूड एंड ऑल ड्यू टू आई गॉट इट प्रेगनेंसी है और फिर कहीं भी कैसा खाना मिलेगा पता नहीं था, कोविड भी है मेन इंपॉर्टेंट था वो हमारे लिए. तो हम लोग ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं और एक्चुअली हम लोग का 3-course meal लेने का प्लान था, लेकिन ये रेडिसन ब्लू दे डोंट सर्व 3-course meal, मतलब 3 buffet नहीं होते यहाँ पे. यहाँ पे लंच अला काटे होती है, डिनर दे प्रॉपर प्रिपेयर बुफे. हाँ, तो फिर खाना तो वेलेंट गुडे में आपको दिखाऊंगी भी बुफे में कैसा खाना है हम लोगों का, सारा डिटेल रहेगा इस वीडियो में. और सो वही हम लोग को पर नाइट 9,000 पड़ा राइट, इंक्लूडिंग डिनर पूरा GST मिला के इट कॉस्ट 9,000 पर नाइट ब्रेकफास्ट एंड डिनर. एंड मतलब अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, मतलब इन लोग कोविड मतलब वो जो टेम्परेचर नापे और उसके बाद हमारा लगे सैनिटाइज किए कि नहीं वो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि दे हैव टेकन अवे फ्रॉम अस एंड हम लोग ये रूम रीच किए तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद लेके आए हैं, सो नॉट श्योर अबाउट दैट. सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो और हम लोग दिखाते हैं कि कैसा दिखता है. बहुत सुंदर है ये और हम लोग ऐसे ड्रेसअप किए हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा फोटोशूट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना फोटो बनाना हम लोग को अच्छा लगता है. This is the entrance, you guys. Let's go inside now. So guys, ये थोड़ा ऐसे lawn और मतलब walking के लिए दिया हुआ है शायद, पर ये बहुत सुंदर है. As you can see, यहाँ छोटे छोटे से ऐसे मीनार जैसे बने हुए हैं और ये पूरा property है. Sunset हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और as you can see, काफ़ी big है. हम लोगों ने यहाँ पर ही बहुत सारा फ़ोटोशूट किया है आज. यू कैन नोटिस कि हाँ सारे जो खिड़कियाँ हैं ना उसमें कबूतर बैठे रहते हैं, सबका एक अलग अलग स्पॉट है बैठने का. मतलब इफ़ यू विल गो फ्रॉम हियर जो अपना फूड यहाँ मिलता है, ये एक रेस्टोरेंट है. आई थिंक दे हैव 3 restaurants इन दिस प्रॉपर्टी. वर्सेस मील महल. ओके, सो आई विल शो यू दैट साइड. यहाँ अपन बाद में आते हैं. कम सी यू एंटर फ्रॉम हियर. ये ऐसा दिखता है और दैट इज़ लेक पिचोला का बैक साइड है, बहुत ही सुंदर है. और ये एक बार है यहाँ पर, पीपल विल कम एंड सिट हियर, वेरी नाइस प्लेस. और दिस इज द एंट्रेंस. हियर आई हैव टेकन सो मैनी पिक्स यू गाइज. यहाँ पर मतलब ऐसा कोई भी कोना मैंने छोड़ा नहीं है जहाँ मेरा मैंने फ़ोटोज़ भी लिए होंगे. सो दिस इज वन बार, एज यू कैन सी दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दे हैव डिड दिस यार, सीरियसली. और यहाँ पर भी बैठने का है एंड दिस इज़ द ह्यूज मिरर वी हैव. हाई, आई कैन सी यू गाइज. वहाँ पर भी कितना अच्छा मिरर है.
एंड दिस इज लिफ्ट लॉबी. और फिर यहाँ ये सेकेंड फ्लोर है, यू कैन सी 2016. सो फ्रॉम हियर हम लोग का जो रूम है वो नीचे है. लेट्स गो डाउन यू गाइस एंड लेट्स सी द रूम टूर नाउ. सो फ्रॉम हियर यू एंटर एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. लाइट बहुत ज़्यादा डिम है, सारे लाइट्स तो ऑन है, नॉट श्योर. सो बिफोर हम लोग मैशअप कर दें अपना रूम को, मैं सोची टूर दे दूँ. और ये आयरन है यहाँ पर, आप आयरन भी कर सकते हो, दैट इज़ गुड थिंग. नॉर्मल कबर्ड है, इट्स अ बिग मिरर एंड हियर आई एम सो टायर्ड यार, सुबह से ट्रेवल हो रहा है एंड हियर अगेन आई एम. और बाथरूम बहुत बड़ा है, एज यू कैन सी हियर. और वी हैव बाथटब एज वेल, गोना लव इट, कांट वेट टू यूज इट. एंड दे हैव गिवन दिस वैनिटी किट, टूथब्रश एंड ऑल दिस थिंग, रेडिसन ब्लू इज अ होटल. ओके, और बढ़ते हुए इस रूम पे, दिस इज टीवी कैबिनेट और दिस इज द बेड, बेड साइड टेबल. द वॉल लुक्स गुड, दिस इज ऑल्सो गुड. दिस इज अ नॉर्मल रूम. वन चेयर, वाई दे हैव गिवन वन चेयर हियर, नॉट श्योर. ओके, सो मेनी पिक्स हियर, फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम टू चेक, इतनी अच्छी फोटोज आएंगे ना. एंड दैट प्लेस ऑल्सो वेल. सो ये रेस्ट रूम दिया हुआ है कॉमन. और नील महल, ये हमारा मतलब हम जहाँ रेस्टोरेंट है वो आई शो यू. बुफे यहीं, ब्रेकफास्ट और हमारा डिनर जो होता है वो यही होता है. इट्स अ क्वाइट ह्यूज वन. यहाँ पर भी सिटिंग है. हाय मैम, हाय, गुड मैम, हाउ आर यू? सो प्रिपरेशन इज गोइंग फॉर डिनर, बुफे का. और यहाँ पे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू आफ्टर्स. हियर वी हैव स्विमिंग पूल, ये कोई मतलब पार्टी एरिया आई डोंट नो. और यहाँ पर भी बहुत सारे रुकने के हैं बैक साइड पे. इट्स लुक सो गुड, अब बहुत सारे लोग आ गए. सो स्विमिंग पूल से जैसे ही ऊपर आएंगे, यहाँ पर भी एक स्विमिंग पूल है. एंड पीछे में जो आपको दिख रहा है वो शादी और मतलब कोई रिसेप्शन के लिए देते हैं, ये जो दिख रहा है. एंड यहाँ पर जिम है और स्पा एरिया है. या अच्छा डांस करेगी, अच्छी कला दिखाएगी, आपके सामने देखिएगा सर, ये 10-15 मिनट का पपेट शो जो भी कला आपके सामने होता है. हाई करी, ओके, खिचड़ी खिचड़ी, वो पनीर टिक्का मसाला और पालक. भैया चिल्ली पनीर रेडी है क्या? हाँ, ये क्या है? कुछ नहीं मैम, ये आर्टिफिशियल. अच्छा, ये तो ये क्या होता है? तीपन का ही ये क्या? तीपन क्या है कि ये राइस नूडल मिक्स है, खाई है. अच्छा, कर दीजिए ना थोड़ा टेस्ट के लिए कैसा रहता है. तो थैंक यू, सही लग रहा, अच्छा लग रहा है. देखो नया चीज ट्राई कर रहे हैं, यहाँ तीपन
तीपन याकी करके, ये देखो ये थाई डिश है ना भैया, हम लोग तो नहीं खाए थाई में, थाली में कभी। अच्छा लग रहा है देखो, चाउमीन और राइस का मिक्स है। बिबिन टुक दिस एनीथिंग। अरे मैं स्वीट नहीं दिखा देती हूँ तो। पापड़ प्लेट्स इज दिस वन, आई कीप इट हियर एंड आई विल शो यू फर्स्ट हाउ द स्वीट डिश लुक। यहाँ का स्वीट डिश यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, इट्स अल्टीमेट यू गाइस, यू नो व्हाट इज दिस वन, मैंगो पेरी पास्ता क्रम्बल एंड केक। ये चूरमा लड्डू है यार, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये, और यहाँ पर भी होता है कुछ तो, ये पान आइसक्रीम है, वाव दिस इज सो गुड। यहाँ रखा नहीं है, लेट्स वेट फॉर दैट। और ये मालपुआ, ओ माय गॉड सीरियसली मालपुआ है, एंड विपिन इज सिटिंग देयर। वी आर सो लकी एंड वी आर सो ग्रेटफुल। हाउ इज द फूड, यू लाइक इट, व्हाट यू आर हैविंग? सूप, सूप लिया है, ये फिश है, और ये सर चिकन लिया है ना आपने। And I'm gonna try this. Let's see कैसा। I'm trying that new dish, Thai वाला जो है। Noodles जैसा लग रहा है, but हल्का सा अलग taste जैसा। So good you guys. So I went and I took, ये हमारा पनीर भी आ गया, चिल्ली पनीर। कैसा है चिल्ली पनीर? You have tested right? Yeah, it's nice. Nice. Okay. And यहाँ पास्ता है, और ये कुछ नया चीज़ था, आई एम नॉट श्योर क्या है, ये बहुत सही लग रहा था तो मैंने ले लिया। एंड चिकन है और फिश है, एंड दिस इज ऑल्सो फिश, और ये मेरा ये भी बचा हुआ, ये बहुत सही है। सो फर्स्ट आई एम ट्राइंग दैट न्यू थिंग, जो मैंने वाइट वाइट दिखाया था ना, कुछ अलग सा ही नाम था, चीज़ी चीज़ी लग रहा है ये देखो। ओके, ब्रोकली और कॉर्न वॉर्न मिक्स है, ब्रोकली एंड फिश। फिश यहाँ का इतना अच्छा है यू गाइस, मतलब कुछ चिकन कुछ भी इसके सामने नहीं है। मटन तो वैसे भी मैं लेती नहीं हूँ, तो फिश जो है ना बहुत अच्छे से पकता है यार, लगेगा ही नहीं कि आप फिश खा रहे हो। अल्टीमेट, लेट्स ट्राई पनीर चिल्ली। ये तुरंत बना के देते हैं लोग, अगर आप बोलोगे लोगों को तो। एक एक खाना बहुत अच्छा है, सही मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एंड पास्ता लाल ट्राई करते हैं, पास्ता इज ओके। सो आई विल हैव माय फूड एंड आई विल शो यू गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ अवर लास्ट डे हियर इन उदयपुर रेडिसन ब्लू, और हम लोग आज लास्ट डे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। सो आई एम गोना शो यू हाउ द ब्रेकफास्ट अरेंजमेंट लुक्स लाइक। स्टे ट्यून्ड। हाय, गुड मॉर्निंग। How are you? Good. How Happy are you? Women's Day. Thank you. Same to you. Thanks. Good morning. Masala idli. Oh. Bahut acha hai. Puri. मेरे को भी कर दीजिएगा भैया, वन मोर डोसा इज फेवरेट। यहाँ अच्छा ऑमलेट है मेरे लिए, भी बोलना नहीं ऑमलेट बोलो। एक ऑमलेट, पराठा, मैसूर बोंडा। ओ ये क्या है? अच्छा पिकल्स। ओके, बेक्ड बीन्स। ओके, मिल्क ओट्स। ये क्या है? खीर। ओ ओके, बॉइल्ड एग।
चिकन नगेट्स एंड चिकन पकौड़े। ओके ओके हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट, थोड़े वेजीज हैं और ये येलो योगर्ट है, सांबर मसाला इडली एंड दिस चटनीज। इफ़ यू गाइज फॉलोइंग अस फ्रॉम सो लॉन्ग देन यू मस्ट बी नोइंग दैट वी आर बिग फैन ऑफ साउथ इंडियन फूड, सो हम लोग डेली डोसा खाते हैं है ना। और यहाँ मेरा डोसा है, यहाँ बिपिन का डोसा है और ये ऑमलेट है और हम लोग पराठा भी ऑर्डर किए हैं, सो इट विल इट इज़ अबाउट टू कम, आई विल शो यू। सो गाइज फर्स्ट लेट्स ट्राई इडली, ये वाला मिक्स जो इडली होता है ना, इट्स सो हॉट। आई वॉट नोटिस वन थिंग हेयर कि लोग जो ऑमलेट हो गया, सांबर हो गया, ये सब लोग कोकोनट ऑयल से बनाते हैं, सो दिस इज रियली गुड थिंग हेयर। मतलब यूजली नॉर्थ में ऐसा होता नहीं है कि कोकोनट ऑयल से कुछ भी चीज़ प्रिपेयर होता है, बट वी लाइक कोकोनट ऑयल ऑल्सो, हम लोग भी वही उसी को यूज़ करते हैं मोस्टली। थैंक यू भैया, थैंक यू। स्ट्रॉबेरी पैनकेक, आई शो यू गाइस हाउ द स्वीट लुक हियर। मतलब जो डेजर्ट एरिया है मॉर्निंग में भी दे हैव दिस, सो हियर दे हैव सम ओट्स मफिन, डोनट्स, फ्रूट केक एंड सो मेनी लाइक दिस। Okay, so finally we are leaving and I'm gonna miss this view a lot, Lake Pichola backside view. It feels like such a short trip, but yeah, here is our luggage. Bye, Alison Blue. See you soon. Look at that. Wow. Birds aate hain paani peene.